जेनिफर मिस्त्री पर टूटा दुखों का पहाड़। पहले एक्ट्रेस के छोटे भाई की हुई मौत और अब छोटी बहन भी दुनिया छोड़ गई। घर में लगातार दो मौतों से सदमे में है एक्ट्रेस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम जेनिफर मिस्त्री को एक के बाद एक लगातार दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहले एक्ट्रेस खुद बेरोजगार हुई, फिर छोटे भाई का निधन हो गया और अब जेनिफर की छोटी बहन भी चल बसी। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की बहन डिंपल का निधन उनके होम टाउन जबलपुर में हुआ है। आपको बता दें, डिंपल 45 साल की थी और जन्म से ही वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। लंबे समय से डिंपल अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। 13 अप्रैल को जेनिफर की बहन ने आखिरी सांसें ली। जेनिफर अपनी छोटी बहन के निधन से पूरी तरह से टूट चुकी हैं। बता दें, एक्ट्रेस अपनी बहन के काफी क्लोज थी। एक्ट्रेस के मुताबिक वो और उनकी फैमिली डिंपल का पूरी तरह से ख्याल रखते थे और उनकी सभी मांगों को पूरा करते थे। परिवार में डिंपल को सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। जेनिफर ने बहन के निधन की खबर को खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे बिना मैं जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। जिंदगी के हर पल को जिंदा दिली से कैसे जीना है, ये हमने तुमसे ही सीखा। भले ही हालात कैसे भी हो, तुमने हंसना सिखाया। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। रिपोर्ट्स की माने तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद से एक्ट्रेस की बहन का बीपी बहुत लो हो गया था। उन्हें गॉल ब्लैडर में पथरी की भी समस्या थी। डिंपल लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। हॉस्पिटल का बिल लाखों में पहुंचने के बाद भी उनकी फैमिली ने हिम्मत नहीं हारी और इलाज करवाते रहे। हालांकि जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसके बाद डिंपल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। कुछ दिन पहले ही जेनिफर ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन की बीमारी और परिवार पर चल रहे आर्थिक संकट की कहानी मीडिया को बताई थी। पिछले 2 महीने से उनकी बहन बीमार चल रही थी और एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती अपनी बहन को देखने के लिए जबलपुर भी गई थी। बता दें, साल 2022 में जेनिफर ने अपने छोटे भाई को खो दिया था। तब उनके भाई के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। भाई के निधन के बाद परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। ऐसे में जेनिफर के ऊपर परिवार की 7 लड़कियों की जिम्मेदारी आ गई। बता दें, जेनिफर लंबे समय से बेरोजगार हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिला। वहीं शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के साथ भी उनका कोर्ट केस चल रहा है। पिछले 2 सालों से जेनिफर शो के प्रोड्यूसर असित मोदी संग विवाद को लेकर खबरों में बनी हुई है। जेनिफर ने असित मोदी पर शोषण का आरोप लगा रखा है। देखा जाए तो जेनिफर पिछले कुछ सालों से लगातार परेशान चल रही हैं। तारक मेहता शो छोड़ने के बाद उन्हें कहीं काम नहीं मिला। वहीं उनके परिवार में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। तारक मेहता शो में जेनिफर रोशन कौर सोडी का किरदार कर काफी पॉपुलर हुई। शो में उन्हें काफी पसंद किया गया, लेकिन इसी बीच जेनिफर का शो के प्रोड्यूसर असित मोदी संग विवाद शुरू हो गया। बता दें, जेनिफर मिस्त्री ने तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ पवई पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी। असित से उन्होंने 5 लाख मुआवजा राशि और करीब 25 लाख रुपए मेहनताने की मांग की है, लेकिन अब तक इस मामले में उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। जेनिफर को इस समय पैसों की जरूरत है। वो लंबे समय से बेरोजगार हैं, उनका परिवार आर्थिक संकट झेल रहा है और इन सब के बीच पहले उन्होंने अपने भाई को खो दिया और अब वो अपनी छोटी बहन को खोने का सदमा झेल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।